फेम आने के बाद फैंस भी काफ़ी बने तो कभी ऐसा हुआ किसी फैन कोई प्यारी लगी लड़की उसके साथ वगैरह किया हो कुछ ऐसा यार ऑनेस्टली मुझे बड़ा डर लगता है आ, मेरा एक दोस्त है अच्छा जब मैं वीडियोस बनाता था तो मुझे कहता था कि यार तू फेमस नहीं हो रहा तू इतना मेहनत करता है तू तू फेमस नहीं हो रहा मैं तो एक तरीका बताता हूँ तू बड़ी जल्दी फेमस हो जाएगा <laughs> कहता अपना को टोटा लीक कर दे काफ़ी हो रहा है आजकल मैं उसकी बात में हंसता था अब मैं डरता हूँ <laughs> <laughs> <के> होना चाहे <जाएं। laughs> नहीं मीन I अब mean, थोड़ा सा वो कहते हैं ना वो सी आई डी वाला सतर्क हाँ स्तर्क रहे बिल्कुल, बिल्कुल 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 <laughs> तो कभी ऐसा खुद से किसी लड़की को अप्रोच किया और उसने बोला सामने से नहीं नहीं दूंगी मतलब नंबर नहीं दूंगी <laughs> नहीं अब थोड़ा सा एटीट्यूड गया अब नहीं करता मैं <laughs> अब नहीं करता लाइक ऐसे नहीं होता अगर मुझे कोई अच्छा लगता है तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ राइट अगर आपने किसी को अप्रोच करना भी है ना तो ऐसे नहीं क्या मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं ये 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 इस सारे कर रहे होते हैं टिपिकली कर रहे होते हैं तो आई डोंट रिकमेंड दैट आई वुड से कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है जरूरी नहीं है वो आपको फिजिकली अच्छा लग रहा हो आपको उसका काम अच्छा लग रहा हो कुछ भी है आप उसकी तारीफ कर दें भाई ठीक है अगर उसको लगता है कि यार जो है कुछ है ही हाँ। तो रिप्लाई कर देगी या कर दे तो मतलब रिप्लाई आ हैं है आपने तो काफी कुछ उखाड़ लिया अब आ जाता है आपकी आपकी बेगम भी देख रही गिनने तो दें एक मिनट अच्छा तो कभी ऐसा हो किसी ने डंप किया हो चीट किया हो या आपने किसी के साथ कुछ ऐसा किया हो यार मैंने पता नहीं क्या मेरे मेरे शुरू से एक ना फलॉसफी रही थी कि मुझे पता नहीं क्यों मैं थोड़ा था कॉन्फिडेंस मेरा कम था तो मुझे लगता था कि मेरी तो हमेशा अरेंज मैनेज ही होनी है मेरी तो पहले मुझे तो मुझे तो कोई तो लड़की पसंद नहीं करेगी और उसकी वजह है कि मैं आपको अपनी वैसे कुछ फोटोज दूंगा ठीक है जो मेरी पुरानी थी मेट्रो की फोटोज़ देखोगे तो आई वज आई वाज दिस हैवी राइट right? तो मैं बड़ा वो सेंस ऑफ इन्फ्रियोरिटी थी मेरे अंदर एहसास से कमतरी था कि यार मेरे साथ तो कोई सेट होगी नहीं मुझे तो कोई बुलाएगी नहीं तो मेरी एट द एंड रेंज मैरिज होनी है तो मैंने कभी ऐसा ऐसा किया नहीं जेन नहीं बनाया कि भाई मेरे साथ भी सेट हो जैसे आजकल सिंगल फ्राइवर के मीम्स नहीं आ रहे होते उस टाइम आई वॉज रियल दैट वन दैट गाय राइट तो मेरा सीन यही था